फैमिली वेलकम बैक। तो मैं आज आई थी चांद रात ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब चांद रात होती है तो लोग ज्यादातर जो है अपनी तैयारियों में गुम होते हैं, और मैं भी कुछ ऐसी हूँ। और मैं आई हूँ मंतशा ब्यूटी सलोन फॉर सर्विसिंग, एंड देन मैं आई हूँ अपनी सर्विस करवाने के लिए। चांद रात थी आपको पता है, एंड देन ये चेक कर लें आप लोग के मेरे बाल इतने अच्छे से उन्होंने कवर किए हैं और मेरा लुक बिल्कुल चेंज कर दिया। आई एम इन लव विद दिस, समझ रहे हो ना। अंदर की तरफ से आ जाते हैं, अंदर की तरफ जाना हमारा पूरा लुक चेंज कर दिया है। मैंने मेहंदी नहीं लगवाया। तो हम चलते हैं राइला आप के पास। आई थिंक बिजी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, मेरे बच्चा कैसे हो? मुझे बड़े अच्छा लगे बाल अपने, ना लगे मैं लुक चेंज हो गया, मतलब कि वाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ सबका काम चल रहा है, ठीक है, यहाँ सब मेहनत करने में लगे हैं। चांद लाल के कस्टमर्स तो ये लोग काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चेक इट आउट दिस, अगर आगे से इतने हैं और पीछे से वही है तो कर लेते हैं। तो गाइस हम बैठ चुके हैं, ठीक है, तो अब हमारी जो है ना फेस का होगा सब कुछ रगड़ रहा है साफ सुथरा, समझ रहे हो। तो या चल रही है कि क्या हम लोग जो है ना क्योंकि मेरा हाथों पर ना मेहंदी लगने वाली है। अब जो है ना मेहंदी सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मेहंदी लग रही है वो भी मेरे हैं। और देखिए पहले तो इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है फूल सजाने में। या तो गाइस चेक इट आउट दिस, फाइनली डन, चेक इट आउट दिस, कितनी प्यारी लग रही है। फाइनली मेहंदी भी लग चुकी है, एंड देन दूसरे हाथ की भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये अनुषा ने लगाई है, ठीक है, आर्टिस्ट अनुषा ने लगाई है। ये गाइस यहाँ पर आए हुए मेरे बच्चे, तो अभी देखिएगा नॉक नॉक करेंगे। कौन? वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, ईद गिफ्ट, ठीक है। मैं कहाँ जाऊँगी? हाँ ये क्या लाया? एयरपॉड्स। चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अंदर क्या है? इतना महंगा गिफ्ट ला कर लेकर आया तुम। आ इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर हुआ एयरपॉड्स और क्या हुआ गाइस? अब ये खुली नहीं रहा, क्या करे बंदा। मेरे बच्चे मेरे लिए क्या लेकर आया? एयरपॉड्स। देखें तुम खोल के दिखाओ इसमें अंदर क्या। नहीं नहीं आँख खोल, नहीं नहीं आँख खोल। अच्छा शुभ महसूस, पकड़ो इसको पीछे से, पीछे से खोल। हाँ खोल। खाली एयरपॉड्स के पैकेट लेकर तुम ही रखो अपने पास, असली वाला गिफ्ट देकर जाओ। चलो अब असली वाला निकल रहा है, अब इसको भी खोल के दिखाओ। चेतन जी हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या ईद मुबारक तो बोल के जाओ। ईद हो ही नहीं है, यहाँ मैं अपने बाबा को जो है ना चमकाने की फुल तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ब्लीच वगैरह रख लिया, मैं पापा को भी तैयार करवा चुकी हूँ, क्योंकि जब ईद की तैयारी हम कर चुके हैं तो हमारे पापा भी करने चाहिए। तो यार मैंने इनको तैयार कर दिया, देख लें। हाथों पे मैंने ब्लीच किया है, मुँह पर मैंने स्किन पॉलिश की है, और देखिएगा मेरे पापा कैसे चमक के निखर के बाहर आ जाएंगे। और गाइस बच्चे खुश हों या ना हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे ईद की बहुत ज़्यादा ना खुशी है, क्योंकि मैंने तो इस बार वीडियोस पिक्चर्स मतलब आई एम वेरी हैप्पी। और अल्लाह ताला ने
रमज़ान ख़त्म करने के बाद हमें तोहफ़ा दिया, तो इससे इन्जॉय भी हमें करना चाहिए। तो यहाँ मैं इन्जॉय करने के लिए फुली रेडी हूँ। मेरी आँखों में नींद आ सकती है, लेकिन जो बच्चे जो है ना ईद की जो ना खुशियाँ इन्जॉय करते हैं उनकी आँखों में कभी नींद नहीं आ सकती। तो ये कब से जाग रही है, और अभी लिटरली जो है ना 5 बजने वाले हैं, तो मतलब कि इसको इतनी खुशी है कि सो ही नहीं पा रही है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों को हम दोनों की तरफ से ईद मुबारक।